हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.4 फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन द फिगर मेजर ऑफ आर्क NS इज 125 डिग्री। तो देखिए, यह है वो आर्क NS विच इज 125 डिग्री। देन मेजर ऑफ आर्क EF इज 37 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क EF इज 37 डिग्री। एंड आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल NMS। देखिए, यह है वो एंगल NMS। तो इस एंगल का मेजर आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इस एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए ना ही यहाँ पे हम यूज़ करने वाले कोई थ्योरम और ना ही कौन सी प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको दिया है पेज नंबर 73 के टॉप पे इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल, इसे प्रूफ करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हियर, क्या दिया आपको, हियर मेजर ऑफ आर्क NS ये आपको दिया है 125 डिग्री। एंड मेजर ऑफ आर्क EF ये आपको दिया है 37 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यूज देखिए आपको क्या है, गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि आर्क NS एंड आर्क EF आर इंटरसेप्टेड बाय एंगल NMS। तो हम लिखेंगे नाउ आर्क, कौन से आर्क, आर्क NS एंड आर्क EF आर इंटरसेप्टेड बाय एंगल NMS। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये जो एंगल है, ये देखिए एक्स्ट्रा एंगल है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर है। तो आपको अगर इस एंगल का मेजर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस एंगल का मेजर ये रहेगा हाफ किसका, या हाफ रहेगा डिफरेंस ऑफ दिस टू इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, इस एंगल का मेजर NMS, इस एंगल का मेजर ये कितना रहेगा, हाफ रहेगा किसका, हाफ डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ दिस टू इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, तो चलिए लिखेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS ये रहेगा हाफ किसका, हाफ रहेगा ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इन इंटरसेप्टेड आर्क का लेना है आपको डिफरेंस। तो सबसे पहले लेंगे आप बड़ा वाला आर्क, तो ये आएगा मेजर ऑफ आर्क NS, अब लेंगे डिफरेंस मतलब माइनस, अब छोटा वाला आर्क मेजर ऑफ आर्क EF। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको दोनों वैल्यूज पता है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये आएगा हाफ, देन मेजर ऑफ आर्क NS, देखिए ये है 125 डिग्री, तो ये आएगा 125, देन माइनस मेजर ऑफ आर्क EF, देखिए ये है 37, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 37। ठीक है, और ये वैल्यूज देखिए आपको क्या थे, गिवन थे। अब फ्रेंड्स 125 माइनस 37 तो ये कितना होगा, 88, तो आएगा हाफ इंटू 88। ठीक, अब इसे देखिए आप कैंसिल करेंगे, ये आएगा 44। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS ये आएगा 44 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये ना ही कोई थ्योरम है और ना ही कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको दिया है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 के टॉप पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे आपको दिया है इन द फिगर कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। तो कॉर्ड AC एंड DE ये देखिए इंटरसेक्ट हो रहे हैं एकमेक को एट पॉइंट B। देन आपको दिया है एंगल ABE इज इक्वल टू 108 एंगल ABE, ये एंगल दिया है देखिए आपको 108 डिग्री। एंड आपको दिया है मेजर ऑफ आर्क AE इज 95, देखिए यह है वो आर्क जो आपका मेजर दिया है 95। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DC, तो देखिए आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DC। तो अगेन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे भी हमें किसी थ्योरम या प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको दिया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 पे एट द बॉटम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन वैल्यूज, तो हम लिखेंगे हियर, क्या दिया आपको, आपको दिया है मेजर ऑफ एंगल APE विच इज़ 108 डिग्री, एंड आपको दिया है मेजर ऑफ आर्क AE विच इज़ 95 डिग्री, और ये दोनों वैल्यूज देखिए आपको गिवन है। अब देखिए हम बताएंगे कॉर्ड्स, कौन से कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। ठीक है, दिख रहा है आपको कि दोनों कॉर्ड्स एक में को देखिए इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो देयरफॉर अब हम यूज़ करने वाले वो छोटा सा कंसेप्ट जो आपको दिया है पेज नंबर 72 पे एट द बॉटम। तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, देखिए ये जो एंगल है ABE, इस एंगल का मेजर ये हमेशा कितना रहेगा, ये रहेगा हाफ किसके, ऑफ द मेजर ऑफ दिस टू आर्क्स AE एंड DC।
ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जो एंगल है ए बी ई, ये एंगल, या फिर आप बोल सकते हैं ये एंगल, ठीक है, दोनों के लिए सेम रूल है, तो आपको डिफाइन करना है ये एंगल, तो इसको लेंगे आप, तो एंगल ए बी ई, इस एंगल का मेजर ये कितना रहेगा, हाफ रहेगा किसके, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ दिस टू आर्क, मतलब ए ई और डी सी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे देयर फोर मेजर ऑफ एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, ये रहेगा हाफ किसका, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क ए ई प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। ठीक है, तो देखिए आपको अपोजिट आर्क्स लेना है, मतलब ए लिया आपने एंगल ए बी का, तो इस आर्क का अपोजिट आर्क देखिए यहाँ पे डी सी। अब आपको देखिए फाइंड करना है यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क डी सी, आपको एंगल पता है और ये आर्क ए पता है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो ए बी कितना है, ये आएगा 108 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, देन मेजर ऑफ आर्क ए देखिए आपको दिया है 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी, मेजर ऑफ आर्क डी सी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले इस हाफ को हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये जो 2 है यहाँ पे डिवीजन में, ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 108 के साथ, तो ये आएगा 108 इनटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपके पास 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ चुका है, अब 108 इनटू 2 तो ये कितना होगा, ये होगा 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। अब क्या करेंगे आप, इस 95 को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में और ये हो जाएगा माइनस, तो जाएगा 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, ये आएगा डी सी। सो देयरफॉर फ्रेंड्स फाइनली हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क डी सी इज इक्वल टू 216 माइनस 95, तो ये हो जाएगा 1 देन 2 एंड 1 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क डी सी देखिए आपको मिल चुका है यहाँ पे 121 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फाइनली हम लिखेंगे इसका आंसर, तो क्या रहेगा, द मेजर ऑफ आर्क, द मेजर ऑफ आर्क डी सी, ऑफ आर्क डी सी इज 121 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको दिए हैं पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 72 एंड 73 पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।